कर्नाटका 2023 असेंबली इलेक्शन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 10 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हुआ है। प्रेस मीट के जरिए एसडीपीआई नेशनल प्रेसिडेंट एनके फैजी और स्टेट पार्टी लीडर्स ने कहा, इस बार एसडीपीआई असेंबली इलेक्शन में कुल 54 कैंडिडेट्स को मैदान में उतारने वाली है। एसडीपीआई की जानिब से पहली लिस्ट में 10 कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया गया है, जिनके नाम आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, और बाकी 44 नामों का ऐलान भी जल्द किया जाएगा, जिसमें गुलबर्गा नॉर्थ, गुलबर्गा साउथ और गुलबर्गा रूरल इलाकों से भी एसडीपीआई के कैंडिडेट मैदान में उतारे जाने वाले हैं। दिस वीडियो प्रेजेंट बाय रायदान मल्टी क्विजीन रेस्टोरेंट, वैरायटी ऑफ ट्रेडिशनल फूड्स, अरेबियन, टर्किश, मिडिल ईस्ट, ग्रैंड इंटीरियर, जेन्युइन स्पाइसेस, हाइजीनिक किचन, एड्रेस टीपू सुल्तान चौक, रिंग रोड, गुलबर्ग। आज 10 कैंडिडेट को डिक्लेयर किया, 43 सीटों में हम लोग फाइनल हो चुका है, उसमें 10 कैंडिडेट उम्मीदवार को आज डिक्लेयर किया। सेकेंड फेज में बाकी कैंडिडेट को भी हम डिक्लेयर करेंगे। इस बार तकरीबन 100 सीटों पे हम लोग कंडेस्ट करना चाहते हैं और तैयारी हो रहा है। वो जनवरी लास्ट बाकी सीट भी ऐलान होगा। हम लोग बीजेपी के अलावा किसी सेकुलर पार्टी के साथ एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत अलायंस के लिए रेडी है। देश के पूरे पॉलिटिकल पार्टी है ना, सब पॉलिटिकल पार्टी है, उसमें बीजेपी की आइडियोलॉजी अलग है, वो एक से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी है, जैसे कांग्रेस है, जेडीएस है, एसटीपीआई है, दूसरे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियां, ये सभी पॉलिटिकल पार्टियां उनके बीच में आइडियोलॉजिकल इख्तिलाफात है, वो इख्तिलाफात हम बोलेंगे। उसका मतलब ये नहीं है देश को बचाने के लिए ये सभी पॉलिटिकल पार्टी कभी कभी एक जगह पे बैठना है तो वो मुमकिन नहीं बोल के नहीं, आइडियोलॉजी में इख्तिलाफात है, इसलिए अलग अलग पार्टी है ना। कांग्रेस और एसडीपीए की आइडियोलॉजी एक ही है तो फिर दो पार्टी की जरूरत नहीं है ना, वो अलग है। जैसे अभी एक अलायंस पार्टी, दोनों बीच में कभी कभी अलग अलग इशू पे तो अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो अलग है। इलेक्शन के टाइम में कुछ मिल्ली लीडर्स भी बोल सकता है, वो दलाल जो भी हो, ऐसे लोग आके बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग उधर नहीं कंडक्ट करना, इधर कंडक्ट नहीं करना। कर्नाटका में यहाँ के स्टेट कमेटी क्या सोचा है, बीजेपी पावर में नहीं आना है, उसके लिए हम लोग थोड़ा सपोर्ट देना चाहिए, इसलिए हम पहले जो डिसाइड किया वो छोड़ दिया, फिर बहुत कम सीटों में कंडक्ट किया। एक कम सीटों में कंडक्ट करके कांग्रेस पावर में आ गया, लेकिन कांग्रेस फिर क्या किया पता है सब, इसलिए इस बार ऐसे एक मौका दोबारा कांग्रेस को नहीं देना है। हम लोग मेहनत करके, हम लोग मतलब सिर्फ एसडीपीआई नहीं, सभी मेहनत करके फिर वो लोग जीतने के बाद बीजेपी में जाने के लिए मौका दोबारा नहीं देना है। एसडीपीआई अपने पॉलिटिक्स को एड्रेस करेंगे, इस बार ऐसा नहीं होगा। जो कर्नाटका का 2023 असेंबली इंतखाबात में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक साल से ही पूरा तैयारी कर लेकर है, तो हम 224 कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी सर्वे कराया था। सर्वे कराने के बाद हम लोग को ये महसूस हुआ कि 100+ कॉन्स्टिट्यूएंसी में एसडीपी के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि उधर हमारे कारकुन है, हमारा नेटवर्क है, हमारा बूथ कमिटीज है, और हमारा सोशल वर्क जो खिदमात हम अंजाम दे रहे थे, तो इसलिए आज हम कर्नाटका इलेक्शन को फर्स्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट हम लोग अनाउंस किए हैं। 10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का कैंडिडेट को हमारे नेशनल प्रेसिडेंट एमके फैजी साहब अनाउंस किया, और टोटल 54 कॉन्स्टिट्यूएंसी का फर्स्ट लिस्ट हम लोग अनाउंस किए। इसमें
देखिए मैसूर डिस्ट्रिक्ट का नरसिम्हा राजा एनआर जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो कहते हैं उसमें अब्दुल मजीद स्टेट प्रेसिडेंट खुद मई हूँ। पुलिकेश नगर बेंगलुर जो एससी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है उधर हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी भास्कर प्रसाद कंटेस्ट करेंगे। सर्वज्ञ नगर कॉन्स्टिट्यूंसी बैंगलोर इसमें अब्दुल हन्नान साहब हमारा नेशनल वर्किंग कमिटी मेंबर कंटेस्ट करेंगे। बंटवाड़ जो मंगलोर दक्षिण कन्नड़ का है उस कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी इलियास मोहम्मद तुम्बे वो कंटेस्ट करेंगे। दक्षिण कन्नड़ का और एक कॉन्स्टिट्यूंसी मूड बिद्री है इसमें अल्फोंसो फ्रैंको हमारे नेशनल सेक्रेटरी वो कंटेस्ट करेंगे। दक्षिण कन्नड़ का और एक कॉन्स्टिट्यूंसी बेलतंगड़ी इधर अकबर बेलतंगड़ी कंटेस्ट करेंगे। उडुपी डिस्ट्रिक्ट का कापू असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हनीफ मूलूर कंटेस्ट करेंगे। दावणगेरे साउथ जो दावणगेरे डिस्ट्रिक्ट का सिटी है उसमें इस्माइल जबीउल्ला साहब कंटेस्ट करेंगे। चित्रदुर्गा सिटी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी चित्रदुर्गा कॉन्स्टिट्यूंसी उधर बाळेकाई श्रीनिवास हमारे उधर का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है वो कंटेस्ट करेंगे। विजयनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में जो होस्पेट विजयनगर कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारा नजीर खान साहब कंटेस्ट करेंगे। ऐसा 10 कैंडिडेट का हम लोग अनाउंस किए। उसके अलावा 54 कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम भी हम अनाउंस किए जिस जगह हम लोग कंटेस्ट कर रहे हैं वो कैंडिडेट का प्रोसेस में है। यानी कैंडिडेट का क्योंकि कैंडिडेट नीचे से हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी से आता है उसके बाद स्टेट में उसका गुफ्तगू होता है नेशनल सेक्रेटरी उसको फाइनल करता है तो इसलिए वो प्रोसेस में है। ये फर्स्ट फेज है। हम लोग जनवरी एंड तक टोटल हम क्लियर पिक्चर देंगे। एसजीपीआई कितना जगह कंटेस्ट कर रहा है वो क्लियर पिक्चर करेंगे। एक एसजीपीआई क्योंकि ये 75 साल में सब पार्टी को हम आजमाए सब कैंडिडेट को जो आजमाए क्या किए इस देश को इसका कॉन्स्टिट्यूंसी को सबको मालूम है। तो ए बार सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जो भी कैंडिडेट्स है क्योंकि हम लोग को एक चांस एक मौका देना है एक अच्छी सियासत एक ईमानदार का सियासत करने के लिए और मजलूमों का आवाज होकर विधानसौदा में हो विधानसौदा का बाहर हो काम कर क्योंकि आज मजलूमों के लिए कोई एमएलए नहीं है कोई एमपी नहीं है मजलूमों का इश्यू टोटल ऑल मजलूमों के लिए मजलूम का लीडर कौन है कर्नाटक में बोले तो नहीं है वैक्यूम है क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है बोलना चाहते हैं उनको बोलने का रुकावट है। तो बेबाक सियासत के लिए एक मजलूमों का आवाज होकर पूरे कर्नाटक में काम करने के लिए अवाम ये बार एसटीपी को एक मौका देना चाहिए।